यह है जीवन रेखा। शुक्र के पर्वत के मध्य भाग में एक काल्पनिक बिंदु बनाते हैं। यहां से कोई रेखा हम सीधा स्ट्रेट ले जाकर तर्जनी उंगली के बाहर वाले पोर्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो जहां पर यह कट रहा है इसको कहेंगे सातवां साल, 7 ईयर। ठीक है, सातवां वर्ष। इसके बाद क्या कहते हैं, तत्पश्चात तर्जनी और मध्यमा उंगली के मध्य भाग पर एक काल्पनिक रेखा खींचे। यह रेखा जीवन रेखा को 14वें वर्ष को दर्शाती है, यानी यहां से सीधा ले जाते हैं इस जगह पर, 14 आ गया। फिर उसके बाद अगला कहते हैं, इसी प्रकार अनामिका और मध्यमा के बीच में यहां से स्ट्रेट खींचते हुए ये चले जाते हैं अनामिका और मध्यमा के बीच में, 21 वर्ष। इसी प्रकार अनामिका और कनिष्का छोटी वाली उंगली के बीच में ले जाते हैं, तो यह दिखाता है 28वां वर्ष, 28। ठीक है, और एक शाखा यहां से खींच कर लेके जाते हैं छोटी वाली उंगली के एंड में, तो ये आ जाता है 35, 35। ठीक है, 35वां साल। इसके बाद से जो कनेक्शन बनेगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तत्पश्चात कनिष्का उंगली के बाहरी किनारे पे काल्पनिक रेखा खींचे, तो ये रेखा 35वां वर्ष आयु दिखाता है। अब इस क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करें, अर्थात शुक्र पर्वत पर जो काल्पनिक बिंदु माना गया था उस बिंदु से हथेली पर एक समानांतर रेखा चंद्र पर्वत की ओर रक्षात्मक मंगल के मध्य बिंदु की दिशा में खींचे। ये रेखा जीवन रेखा को 56वें वर्ष की आयु को दिखाता है, यानी रक्षात्मक मंगल और चंद्रमा यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहां से रक्षात्मक मंगल की ओर खींचे तो ये 49 दिखा रहा है, यहाँ पे 49, 50। अगर चंद्र पर्वत के स्ट्रेट खींचते हैं तो ये आ जाता है 56, 56वां साल। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं कि क्यों 7 साल लिया गया, क्यों, वाई 7 को क्यों माना। ठीक है, 7 मानने का अर्थ है कि ये टोटल लाइफ स्पेन 70, 70 साल का, ठीक है, ऑन एन एवरेज। उसमें भी दो तिथि, दो चीजें बहुत जरूरी है। अब जो है यह मणिबंध है, अगर मणिबंध से दूर ही खत्म होती है, जैसे यहां पर मणिबंध बनी है और जीवन रेखा दूर ही खत्म हो रही है, तो इसको हम 70 मान लेंगे। मणिबंध के क्लोज आके खत्म होती है इस तरह, तो इसको हम लोग मानेंगे 80, 80। ठीक है, मणिबंध को टच कर जाए तो 90। ठीक है, सबसे पहले जीवन रेखा की लंबाई को चेक करेंगे, अगर मणिबंध को टच कर जाए तो 90, मणिबंध को क्रॉस कर जाए तो 100। ठीक है, मणिबंध को जीवन रेखा क्रॉस कर जाए तो 100, और दूसरे मणिबंध को आकर टच कर जाए तो ये 120 साल। ये बहुत रेयर होता है, नॉर्मली हमें जो दिखेगा वो ये 70 वाला जो इधर घूम गया, दूसरा हमें दिखेगा 80 वाला जो यहां तक आके रुक गया मणिबंध के नजदीक। 70 और 80 वाला अभी के डेट में हमें ज्यादा दिखता है। ठीक है, 60, 65 वाला तो आप समझ ही लेंगे कि शॉर्ट होगा, लाइफ लाइन तो उस हिसाब से बटेगा। तो अगर 90 साल है किसी की एज, मतलब कि जीवन रेखा मणिबंध में आके टच हो रही है, तो हम यहां पर जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, 9, 9, 9, 9 के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे 10 भागों में। तो 9 का जो वो है गुणक, मतलब कि जिसको हम लोग पहाड़ा कहते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ो, पहले हमारे बचपन में हमारे टीचर मास्टर जी बोलते हैं ना कि 9 का क्या है, अपने याद किया
नौ का पहाड़ा यहाँ पे अप्लाई करना है, अगर 90 साल है, अगर 80 आ रहा है तो 8 का पहाड़ा यहाँ पर अप्लाई करना है और उस हिसाब से डिवाइड करते हुए जाना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर होगी ना? तो सबसे पहले लंबाई देखना कि जीवन रेखा की लंबाई जो है वो क्या मणिबंध को टच कर रही है, मणिबंध से कितनी दूरी पे है। आप लोग देखो अपना अपना बताओ कितनी दूरी पे है, थोड़ा सा है, ज्यादा है? किरण जी बताइए आप पहले। मेरा थोड़ा सा दूर है, जैसे आपने सर्कल बनाया ना यहाँ राउंड करके 70 डिग्री मेरा वो आ रहा है, तो 70 का ही आपको फॉलो करना है। राकेश जी बताइए सेवेंटी आप, 70 70। सेवेंटी से हम मतलब 7 डिग्री का वो डिवाइड करूंगी हाँ, या नाइन सेवन सेवन डिग्री करके, नहीं, 7 7, 7 7 सेवन करके, 7 साल लेना आपको, 7 7 का गैप, सेवन पहले 7 और जो फर्स्ट फिंगर कवर हो जाएगी तो 14, फिर थर्ड 14। सेकंड फिंगर कवर होगी तो 21, ये कह रहे हैं ना? यस, इस तरह से। हाँ, ओके राकेश जी आपका कहाँ पे कितना है? मेरी सर मणिबद से पहले ही है, मगर उसके बाद थोड़ी हल्की हल्की सी लाइन आ रही है आगे। हाँ हल्की हल्की आ रही है, जी 80 का लगा लो आप, ठीक है, 8 8 8 से 8 का हिसाब लगा के 8 का पहाड़ा, उसके बाद एक के बाद एक के बाद कर लेना। आप बताएं, निर्मल जी बताएं आप। सर मेरे भी 70 वाला ही है, राउंड 20 लेके वाला, ना खत्म होगी, मणिबंध को टच नहीं करती। अच्छा, राउंड होके खत्म हो गई है, ठीक है सर ठीक है। राजीव जी बताइए आपका। मेरा भी मणिबंध को टच नहीं कर रहा है, 70 ही होगा। 70 के आसपास, ठीक है। वो राउंड होके अंदर की और पीछे की ओर चला जा रहा है ऐसा, जी पीछे की ओर जा रहा है। राइट। अनीता जी, अनितन कलांत्री, हाँ सर बता रही हूँ, मेरा भी 70 ना 80 आ रहा है सर, पूरा गोल होके नीचे लाइन मणिबंध का ना एक छोटी सी लाइन आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। तो या जो 80 का मतलब 70 का जो दशक होगा उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है, सोच समझ के संभल के खाना पीना, बहुत रूटीन पे आ जाना पड़ेगा। ओके जहां पर सर भी आप लोगों की जीवन रेखा पतली हो रही है लास्ट में जाकर, वहां से ये समझ लो कि आपको डिसिप्लिन हो जाना है पूरी तरह से। टाइम देख के खाना, टाइम देख के सोना, सब कुछ टाइम देख के होना चाहिए।